हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, हम लास्ट वीक हार्वेस्ट कर रहे थे। ये पपाया हार्वेस्ट किया हमने, थोड़ा सा येलो कलर हुआ तो राइट टाइम है उसको हार्वेस्ट करने का। ये स्पेस नहीं है इस वजह से ठीक से नहीं बन पाए पपाया, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। तो ये तीन पपाया मैंने काट लिया है दोस्तों। ये देखिए, एक थोड़ा ग्रीन कलर है, मतलब अभी टाइम है पकने में। तो मैंने पेपर में रोल करके एक दिन लगा दी, तो नेक्स्ट डे देखे तो इतना अच्छा सा कलर एकदम से येलो कलर हो गया। ये देखिए, आपको ये देखिए तीनों पपाया, अपना ही घर का हार्वेस्ट है ये। ये देखिए सेम पपाया, ये देखिए ये पकने के बाद में इतना अच्छा दिख रहा है। ये कलर देखिए रेडिश हो गया है वो। अभी मैं काट रही हूँ दोस्तों, आप देखिए इतना फ्रेश है ये। ये देखिए, एक भी स्वीट नहीं है, लेकिन कितना मीठा था, बहुत ही मीठा था दोस्तों। उसमें जूस आपको दिख रहा होगा पपाया में, बहुत ही टेस्टी था। और ये कुछ भी केमिकल्स नहीं डाले दोस्तों ये पपाया पे, और राइट टाइम में पका था वो। तो काट के एक दिन लगाई थी, क्योंकि कच्चा था पपाया, इसलिए। ये देखिए स्प्रिंग अनियंस है, स्प्रिंग अनियंस का भी हार्वेस्ट किया है हमने। ये अनियन दोस्तों हमने ये फ्रिज में थोड़ा सा शूट निकल के आया था, तो उसको काट के मैं इसमें लगा दी। देखिए दोस्तों, पालक मलाबार स्पिनैच है ये। ये बहुत ही आसानी है उगाना। ये भी मैंने मार्केट से लिया था एक कट्टा, उसमें से दो या तीन स्टेम्स मैंने लगा दी पॉट में, और इतने अच्छे से फिर से उसमें स्टेम्स आने लगे और लीव्स आने लगे दोस्तों। पहले मैं उसको मार्केट से लाने के बाद में, यूज़ करने के बाद में सिर्फ दो या तीन इंचेस का ऐसा स्टेम लगा देती हूँ पॉट में, तो उसके बाद में इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही फ्रेश है, और कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ मेरे गार्डन में। मैं सिर्फ कभी कभी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करती हूँ, नीम ऑयल, कभी कभी अपना मस्टर्ड केक का पानी यूज़ करती हूँ, और प्लांटेंस का बनाना पील का ड्राई करती हूँ, ड्राई करके फिर उसमें मिट्टी में मिलाती हूँ। और कभी कभी नीम ड्राई नीम लीव्स, नीम के पत्ते सॉइल में मिलाती हूँ, कभी एप्सम सॉल्ट डालती हूँ, और कभी एनपीके भी डालती हूँ, क्योंकि एनपीके नेचुरली उतना मोटा, मतलब उतना परसेंटेज में नहीं मिलता, तो मुझे एनपीके यूज़ करना पड़ता है। बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब 3 महीने को, 4 महीने को एक बार एनपीके यूज़ करती हूँ। एप्सम सॉल्ट महीने को एक बार यूज़ करती हूँ दोस्तों। ये देखिए ग्रीन फ्रेश लीव्स मलाबार स्पिनेच में, ये दाल में यूज़ करते हम, तो ये बज्जी में भी यूज़ करते हैं पकौड़े में। तो अभी टमाटर भी हार्वेस्ट किया था लास्ट वीक में, तो वो भी देख लीजिए। ये टमाटर बहुत ही फ्रेश टमाटर है, ये देखिए कितना फ्रेश, और बहुत ही टेस्टी था, मीठा था टमाटर, ज़्यादा खट्टा नहीं था। तो ये देखिए, ये भी अपना ही कोरिएंडर, मतलब कुतमीर। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।